हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता शोकन और आपका आपके यूट्यूब चैनल अनीता शोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मार्केट। तो आज हम अपना टॉपिक मार्केट कर रहे हैं। तो क्या होती है मार्केट? आपसे पूछा जाए कि मार्केट का अर्थ बताओ तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि ऐसा क्षेत्र जहाँ से हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, बेचते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मार्केट। पर्टिकुलर प्लेस है कि यहाँ से इस गली से लेकर वहाँ तक, ये हमारा क्या है? मार्केट है। ठीक है, आप अपनी जगह पर क्या हो, राइट हो, लेकिन ये क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये तो 19th century तक था, 18th या 19th century की बात थी। अब हम किस में पहुंच गए? मॉडर्न टाइम में पहुंच गए। अब मॉडर्न टाइम में पूरी की पूरी डेफिनेशन ही क्या हो गई हमारी? चेंज हो गई है। हमने कहा कि हम मॉडर्न टाइम में पहुंच गए, मॉडर्न टाइम में हमारी डेफिनेशन चेंज हो गई कि वो पर्टिकुलर, हमने तो कह दिया कि यहाँ से इस गली से लेकर यहाँ तक ये वाला एरिया क्या है? हमारा मार्केट है, जहां से बायर और सेलर एक दूसरे के आमने सामने कॉन्टेक्ट करते हैं, वो आपस में संपर्क होता है, उनका कोई वस्तु बेचनी है बेच देते हैं, खरीदनी है खरीद लेते हैं। तो वो आपको सूट खरीदना है, अब उस पर्टिकुलर दुकान पर गए, वहां पर पैसे दिए और आपने वो सामान खरीद लिया, आपको कुछ बेचना है तो उस दुकान पर गए, वो बेचा, बदले में पैसे लिए और आगे। तो वो विशेष जगह, वो एरिया जहाँ पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं और खरीदते हैं, आप कहते हैं वो क्या है? हमारा मार्केट है। जबकि मैं कहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात तो 18th और 19th century तक की थी, ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, ट्रेडिशनल सोच थी हमारी। अब हम क्या हो गए? मॉडर्न टाइम में आ गए हैं। अब हमारी डेफिनेशन क्या होगी? चेंज। अब आपको होगी कि मैंने कहा कि 18th century की बात थी, तो 18th century का टाइम क्या है? 1701 से 1799 तक को हम क्या कहते हैं? 18th century कहते हैं। इसी प्रकार 19th century में 1801 से 1899 तक के समय को हम 19th century कहते हैं। तो अब तो हम बहुत आगे पहुँच गए हैं, 21वीं सदी का बार तो गए। तो उसमें हम क्या है? अब हमारा जो बाजार का अर्थ है वो देखो, बाजार क्या है? उसमें एक बात समझिएगा, बायर होते हैं, सेलर होते हैं, बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। बायर और सेलर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो सकता है? जरूरी नहीं है कि आज के टाइम में वो डायरेक्ट आमने सामने मिलेंगे, वो क्या हो सकता है? इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, टेलीफोन, लेटर, इन चीजों के थ्रू हो सकता है। तो आज हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को बाजार नहीं कहेंगे, बल्कि वो सारा एरिया जहाँ से हम अपने ऑर्डर क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं। खरीदने और बेचने वाले का डायरेक्ट एक दूसरे से संपर्क होना जरूरी नहीं है, वो टेलीफोन से, इंटरनेट से, लेटर से भी एक दूसरे से संपर्क करके वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। तो वो सारा एरिया हमारा क्या कहलाएगा? मार्केट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको क्या करना है? एक मुझे एक सूट परचेज करना है, तो मैं किस पे? फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन, बहुत सारे नेट पे खोल के उन पर अपना ऑर्डर क्या कर देती हूँ? प्लेस कर देती हूँ। तो मैंने तो देखा ही नहीं कौन था हमारा सेलर, जबकि वो ऑर्डर मेरे पास आ जाता है, मैंने सूट खरीद लिया, मेरे घर पर पहुँच गया। तो वो सारा एरिया मैंने तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया ही, मैंने तो सिर्फ फ़ोन से ही वो अपना ऑर्डर प्लेस किया था और फ़ोन से ही मेरा सूट मेरे घर पर पहुंच गया। तो वहाँ जहाँ पर बायर और सेलर का डायरेक्ट एक दूसरे से मिलना जरूरी नहीं है, सिर्फ वो सारा एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं जहाँ पर बायर और सेलर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, जहाँ पर वो बगैर मिले भी वस्तु तथा सेवाओं को बेचने और खरीदने का कार्य करते हैं, उस सारे एरिया को हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। तो देखिएगा, अब मार्केट्स की भी कई क्या होते हैं? टाइप होते हैं। तो मेनली तो मार्केट क्या होता है? टू टाइप का होता है,
मार्केट के दो टाइप होते हैं, एक परफेक्ट, दूसरा होता है इम्परफेक्ट। अब परफेक्ट में तो क्या आएगा, एक ही टाइप है इसका, परफेक्ट कंपटीशन, कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन। अब जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें हमारे तीन आते हैं। पहला है हमारा मोनोपोली, मोनोपोली। दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और तीसरा है ओलिगोपोली। तो हिंदी में हम देखें, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। तो बाजार के क्या हैं, दो रूप हैं। पहला रूप हमारा कौन सा है, परफेक्ट, दूसरा है इम्परफेक्ट। परफेक्ट में परफेक्ट कंपटीशन बाजार आ गया, जिसमें पूर्ण प्रतियोगी बाजार। इम्परफेक्ट में हमारा क्या आ गया, इम्परफेक्ट मार्केट में हमारी तीन प्रकार की मार्केट आती हैं, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। तो आज हम क्या करें, आज हम परफेक्ट मार्केट की फर्स्ट, जो एक ही प्रकार का होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये करेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको देख कर हम पहचान जाते हैं। तो इसके भी हम क्या है, कुछ फीचर्स देखेंगे, कुछ उसकी विशेषताएं देखेंगे, तो उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता क्या है। देखिए पहले इसका अर्थ करो, लेकिन अर्थ जब हम उनकी विशेषताएं करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। बाजार की वह अवस्था जिसमें बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। देखो क्रेता तो हर एक मार्केट में बहुत सारे होते हैं, लेकिन डिफरेंस किसके आधार पर होता है, विक्रेताओं की मात्रा के आधार पर। यह बाजार की वो अवस्था जिसमें बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, वस्तु समरूप होती है और कीमत एक कीमत होती है, निर्धारित होती है, जो उद्योग के द्वारा तय कर दी जाती है। तो बाजार की वह अवस्था जिसमें समरूप वस्तु को बेचने वाले बहुत सारे विक्रेता और खरीदने वाले बहुत सारे क्रेता होते हैं, तो मार्केट में एक ही कीमत प्रचलित होती है। ये अर्थ कर लिया। अब अर्थ के आधार पर हम इसकी क्या करेंगे, हमारी क्या करेंगे, हम इसकी फीचर्स देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे। तो पहली विशेषता क्या है, मैनी बायर एंड सेलर, कि बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, कि बहुत सारे तो बेचने वाले हैं, बहुत सारे खरीदने वाले। एक बात देखिएगा आप सब, इससे पहले क्या ये मार्केट जो है इन रियलिस्टिक, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो ये मार्केट रियलिटी में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसके जो हम एग्जाम्पल लेते वो भी वास्तविक, ताकि हमें नज़दीक तो होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम ये नहीं करते कि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के हैं। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, लोहा कम ले सकते हैं कि वो एक जैसा सही होता है। अब हम स्टील ले सकते हैं, स्टील के बर्तन हैं, लोहा है, हमें पता होता है कि कितने रुपए किलो लोहा है, उसमें कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस वो कर भी देते हैं। उसके बाद हमारी वीट है, राइस है, जो अनाज है इस मार्केट में हम वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हम प्योरली, मैंने कहा कि बिल्कुल सही तरीके से हम कहें तो ये मार्केट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो गेहूँ है, चावल है, उसी प्रकार से हमारी वेजिटेबल्स हैं, ये भी हमारा क्या है, परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे परफेक्ट कंपटीशन के। तो फर्स्ट फीचर्स हमें देखिए कि मैंने बायर एंड सेलर, तो ये वो बाजार है जिसमें बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। तो देखिएगा बेचने वाले भी, ये इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी फर्में हैं, अनगिनत सी फर्में हैं। ये नीचे पूरा ये जो एरिया मैंने लाइन ड्रॉ की, ये तो इंडस्ट्री है, लेकिन इसके अंदर हमारी फर्म है, मैंने कहा स्टील की का सामान बनाने वाले या लोहे का सामान बनाने वाले बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। तो अब ये क्या हैं, इनके द्वारा की गई सप्लाई जो है, ये जो मार्केट में सप्लाई करती हैं, इनके द्वारा की गई सप्लाई मार्केट सप्लाई का एक अंश मात्र होती है। बहुत सारे हैं ये जो सप्लाई कर रहे हैं, वो सप्लाई क्या होगी, मार्केट सप्लाई का एक अंश मात्र है।
और ये जो बायर हैं हमारे खरीदने वाले हैं, ये जो सामान खरीदते हैं ये मार्केट का एक अंश मात्र सा खरीदते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट हुआ? तो इसकी दूसरी है कि जो बायर और सेलर हैं उसमें से किसी के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो प्राइस को क्या कर सके, चेंज कर सके। अब एक बायर ने सोचा कि मैं तो लोहे का सामान लूंगा ही नहीं, तो इतने सारे बायर हैं उसके एक के न खरीदने से मार्केट डिमांड पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, कि उसने एक ने लेना छोड़ दिया तो प्राइस कम ज़्यादा होगी नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक ने सप्लाई इतनी ज़्यादा फर्में हैं बनाने वाली, एक ने फैक्ट्री बंद कर दी, तो इसका टोटल सप्लाई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि टोटल सप्लाई कम हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों में से किसी के पास भी पावर नहीं है कि वो मार्केट की प्राइस को इफेक्ट कर सके अपने डिसीजन के कारण, ना बायर कर सकता है ना सेलर अपने डिसीजन से प्राइस को इफेक्ट कर सकता है। फिर है हमारा होमोजेनियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? होमोजेनियस समरूप है हमारा, कि रंग रूप आकार डिजाइन पैकिंग में एक वस्तु दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। हमें पता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जिस तरह से आप लिखने के लिए कॉपी लेते हैं हमें पता है वो एक जैसी सी है, तो उनको एक दूसरे के साथ हम क्या कर लेते हैं, परफेक्टली प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होती है, गुड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के स्थान पर हम कर सकते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा? होमोजेनियस है। ये कहने की जरूरत नहीं वो अच्छा है वो बुरा है, नहीं, सारे एक जैसे लोहे के तसले ले लो वो सेम है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट में होमोजेनिटी पाई जाती है। तीसरा है आइडेंटिकल या होमोजेनियस प्राइस। प्राइस क्या है? होमोजेनियस है, आइडेंटिकल, एक ही जैसी कीमत होती है। और कि कौन की कीमत तय करता है? इंडस्ट्री, उद्योग क्या करता है? कीमत निर्धारित करता है। फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। फर्म क्या है? कीमत लेने वाली होती है, कीमत बनाने वाली नहीं होती। सभी फर्मों की मांग और पूर्ति के आधार पर, जिस तरह से ये देखिएगा ये सप्लाई है ये डिमांड है, सभी फर्मों की डिमांड और सप्लाई ने इस ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो वो भी कीमत निर्धारित कर दी। ये किसने कर दी? उद्योग ने निर्धारित कर दी। फर्मों के पास कोई पावर ही नहीं है कि इस कीमत को वो प्रभावित कर सके, क्योंकि उनके द्वारा की गई पूर्ति मार्केट पूर्ति का एक हिस्सा मात्र है, तो इसलिए वो इसी कीमत पर अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। इस कीमत पर चाहे वो क्या कमाए, प्रॉफिट कमाए, चाहे किसी को लॉस हो रहा हो, क्या चाहे क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो, चाहे कोई नॉर्मल, उसी की भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन प्राइस चेंज नहीं हो सकती। वो उद्योग ने तय कर दी तो वो उतनी ही रहेगी। फिर हमारा है कि यहाँ पर हमारा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यदि हम कहेंगे कि एक जैसा प्रोडक्ट है वो सभी जगह पर यूपी में भी वही उसी कीमत पर बिक रहा है और वो राजस्थान में भी उसी कीमत पर बिक रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट की तो कोई कॉस्ट नहीं, तो इस बाजार में कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती। यदि कोई है तो वो भी प्रोड्यूसर क्या करता है, अपनी पॉकेट से देता है, वो हमारी होती नहीं, मानते हैं कि सभी जगह पर उसकी प्राइस क्या होगी, सेम होगी। दूसरा जो सेलिंग कॉस्ट है, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। तो सेलिंग, सेल का मतलब बेचना, बेचने के लिए जो लागत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विक्रय लागतें कहते हैं। कि प्रोडक्शन कॉस्ट तो अलग होती है कि वस्तु को पैदा करने के लिए, लेकिन पैदा होगी और फिर उसको बेचना है, पोस्टर लगाने हैं, टीवी में हमें ऐड देनी है, न्यूज़पेपर में देनी, तो वो सेलिंग कॉस्ट होती है। तो इसकी हम मान के चलते हैं कि वस्तु क्या है हमारी, होमोजेनियस है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं मेरी अच्छी है,
और देखिए थोड़े बहुत भी एग्जांपल हैं वीट है राइस, क्या इनके कोई टीवी में ऐड आती देखी आपने कि मेरी गेहूँ इतने रुपए किलो है या ये टिंडा इतने रुपए किलो है ये नहीं। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है कि इस बाज़ार में एडवर्टाइजमेंट पर कोई खर्च नहीं किया जाता। तसला है, लोहा है तो हमें पता है कि वो 200 रुपए किलो है, तोल के हिसाब से हम ले लेते हैं, तसले वगैरह की स्टील के बर्तन की कोई ऐड नहीं दिखाई देती क्योंकि मोस्टली नज़दीक नज़दीक इसके हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के एग्जाम्पल हैं। फिर हमारा है परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज किसको, परफेक्ट नॉलेज दोनों ही व्यक्तियों को, दोनों किसको, बायर को भी और सेलर को भी। बायर को भी पता है कि ये वस्तु हमारी जो हमारी क्या कर रहे हैं खरीद रहा है कि ये वस्तु कहाँ कहाँ मिलेगी बाजार में, किस किस कीमत पर मिलेगी उसको पता है। सब्जी खरीदने वाली औरतें हैं उनको पता है सब्जी मंडी में ये कहाँ कहाँ मिलेगी और इसकी क्या क्या प्राइस है उसको पता है। टिंडा 10 रुपए किलो है, कोई उसको 12 कहेगा वो नहीं लेती। हमें पता है ये कॉपी 10 रुपए की आती है, सेम टू सेम। हमें पता है रिनोल्ड का पेन 10 रुपए का आता है, मुझे पता है ये मार्केट 20 रुपीज का आता है, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि वो वही है कि समरूप वस्तुएं हैं। तो इसके कारण जो हमारा खरीदार है बायर है उसको परफेक्ट नॉलेज है कि वस्तु कहाँ मिलेगी और इसकी क्या प्राइस है। उसी प्रकार जो सेलर है उसको भी मार्केट सिचुएशन की पूरी जानकारी, उसको पता है कि तू ज़्यादा पर बेचेगा तो कोई तेरी वस्तु को खरीदेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या पाया जाता है, परफेक्ट नॉलेज पाई जाती है। 7 है परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी किसकी मोबिलिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की या गुड्स की, वस्तु और सेवाओं दोनों की मोबिलिटी क्या है परफेक्ट है। कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति हरियाणा का है उसको यूपी में जॉब मिल रही है वो नहीं जाएगा, नहीं वो फटाफट से जाएगा। इस बाजार में ऐसा माना गया है कि परफेक्ट मोबिलिटी। उसी प्रकार से एक वस्तु चीनी मान लो जहाँ गन्ना ज़्यादा है यूपी में पैदा होती है लेकिन वो चीनी राजस्थान में भी अवेलेबल है, कि वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता हर जगह पर है क्योंकि उनके बीच में क्या परफेक्ट मोबिलिटी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आसानी से जा सकती, कोई रुकावट नहीं। हम तो कहते घर का मोह है, पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं, जो वर्कर्स हैं वो काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर बेरोक टोक आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा कि परफेक्ट मोबिलिटी है कि साधनों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लिया और ले जा सकते हैं, उसी प्रकार वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लिया और ले जा सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, प्रवेश और छोड़ना क्या है, स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में कोई प्रवेश करेगा तो उससे कहेंगे तू प्रवेश मत कर, नहीं, उसकी इच्छा। जब किसी को लगता है कि इसमें मुनाफा ज़्यादा है वो क्या करेगा, उस उद्योग में नई फर्म में प्रवेश कर सकती है, और उसको लगता है शॉर्ट पीरियड में कि यहाँ पर तो क्या हो गया लॉस हो सकता है, वो छोड़ के जा सकता है। दरवाजे खुले हैं, आने का भी खुला है और जाने का भी खुला है, तो ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करना है कि लॉन्ग रन में कोई भी व्यक्ति उद्योग को छोड़कर जा सकता है और कोई भी नई फर्म क्या कर सकती है, उद्योग में प्रवेश कर सकती है। इस प्रकार से हम कहेंगे सब्जी मंडी है उसमें एक दिन 50 रेडी वाले थे, अगले दिन उस किसी को लग गया कि इस काम में तो मुनाफा है, कोई 50 की बजाय 51 आ गया तो कोई रोक टोक नहीं थी, कोई छोड़ के जाना चाहता है तो जा भी सकता है। तो उसी प्रकार हम ये तो एक समाज से समझने के लिए एग्जांपल लिया था उद्योग का, जब हम एग्जांपल लें तो यही उद्योग में होता है, जब जिस उद्योग में लगता है कि प्रॉफिट ज़्यादा है नई फर्म में एंटर करेंगी और क्या बना देंगी, इसका एक बढ़िया सा कारण नई फर्म में प्रवेश करेंगी तो प्रॉफिट को क्या बना देंगी, नॉर्मल प्रॉफिट बना देंगी, लाभ क्या हो जाएंगे सामान्य हो जाएंगे। और जब कुछ फर्म में क्या कमा रही हूँ घाटा कमा रही हूँ तो जो लॉस कमा रही थी वो क्या करेंगी, उद्योग को छोड़ कर चली जाएंगी, प्राइस इतनी बढ़ जाएगी कि प्रॉफिट क्या हो जाएंगे फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। तो लॉन्ग रन में
इस मार्केट में फर्म चाहे कुछ भी करे, चाहे वो डिक्लाइनिंग फेज पर काम करे, चाहे वो कोस्ट करके राइजिंग फेज पर कार्य करे, लेकिन कमाएगी सिर्फ और सिर्फ क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट ही। उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी तो किस, इसका कारण क्या है नॉर्मल प्रॉफिट का, कि एंट्री और एग्जिट क्या है, फ्री है, कोई आ सकता है कोई जा सकता है। फिर अगला है हमारा इसका AR और MR सेव, कि AR और MR की सेव क्या होती है, इस तरह से होती है, दोनों सेम होते हैं। AR इज इक्वल टू MR, AR हमारा प्राइस का ही दूसरा नाम है। AR हमारा क्या होता है, देखिएगा AR बराबर PR बाय में क्यू। PR मेरा क्या होता है, प्राइस को जब क्वांटिटी से गुणा कर दूँ तो ये हमारा क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू आ जाता है। भाई 10 वस्तुएं हैं मेरे पास, एक वस्तु 10 रुपए की बेची मैंने, तो मेरी आमदनी कितनी होगी, मेरी आमदनी होगी 100 रुपए, और वो बस में मेरी यहाँ पर 10, तो ये क्यों से क्यों कैंसिल हो गया, तो AR का दूसरा नाम क्या है, प्राइस। तो वस्तु समरूप है, कीमत उद्योग ने निर्धारित कर दी, वो सेम रहती है, तो वस्तु समरूप है, कीमत सेम रहती है, तो क्या हर बार 10 10 10 निर्धारित करी, तो जो हमारा एक इकाई बेची 10, दो इकाई बेची 20, 3 30 4 40, तो हमारा MR निकालोगे, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, ये MR है, जबकि AR तो पहले क्या था, 10 10 10 था। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यहाँ पर AR और MR OX के समानांतर एक सीधी रेखा होती है और दोनों इक्वल होती हैं। फिर इस बाजार में क्या पाई जाती है, परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है आपस में। तो इस बाजार में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटी होती है। तो देखिएगा परफेक्ट कंपटीशन है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कि वो इसी प्राइस पर वस्तु बेच सकते हैं, यदि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो मात्रा में क्या हो जाएगा, अनंत चेंज हो जाएगा। प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी तो मात्रा, सभी को पता है कॉपी 10 रुपए की आती है, कोई 11 दिया तो उसके पास एक भी ग्राहक नहीं जाएगा, मात्रा अनंत रूप से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और किसी ने वो कॉपी 9 रुपए की देनी शुरू कर दी तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, अनंत रूप से बढ़ जाएगी। इसलिए ये ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ कीमत वही रहती, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, इसी कीमत पर क्या है, कुछ भी खरीदा जा सकता है, कुछ भी बेचा जा सकता है, कीमत क्या रहेगी, सभी के लिए सेम रहेगी। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।